नाम जयवीरा, गांव दुर्गा नगर। माई डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी यू। तुम्हें लोगों के साथ मारपीट छोड़नी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ साउथ की मूवी जिसका नाम है विश्वासम। मैं इस मूवी का हिंदी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे अजीत नयनतारा, जगपति बाबू के साथ साथ और भी लोग को देख पाएंगे। मैं हूँ अभी, ये है बड़ा सिनेमा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्वासम मूवी का कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव पर, जहाँ पूरे 10 साल में एक बार मेला लगता है। मगर उसी गांव के लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेला को रोकने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पक्ष लोग होते हैं, कुछ विपक्ष लोग होते हैं। सब लोग मिलकर कलेक्टर ऑफिस जाते हैं और वहां पे मामला को सुलझाते हैं। मगर उसी गांव का एक व्यक्ति, एक सम्मानित, जो कलेक्टर ऑफिस में जाता है और लोगों को मना लेता है मेला तैयार करने के लिए। फिर गाँव में मेला शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम जयवीरा होता है, जो कि हमारे मूवी का हीरो होते हैं। जैसे ही मेला खत्म होता है, वैसे ही मुंबई से डॉक्टरों की टीम आती है उसी गांव में कैंप लगाने के लिए, मरीजों का इलाज करने के लिए। उससे पहले हमारे हीरो से भेंट हो जाता है, जो कि वो गुंडागर्दी लोगों को मारता पीटता है। और क्या, फिर वो डॉक्टर मैडम उस हीरो के खिलाफ कंप्लेन लिखा देती हैं। और हमारे जयवीरा उस डॉक्टर मैडम को देखते ही फिदा हो जाते हैं और बोलते हैं, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ। ऐसे होते हुए अपने आप को जेल में कैद कर लेते हैं। जब वो डॉक्टर मैडम जाती हैं कैंप लगाने के लिए गांव में, तो देखते हैं कि जयवीरा के गांव वाले उनको परेशान करने लगते हैं। फिर जयवीरा का दोस्त एक होता है, बोलता है, चलो मैं मैटर को देखता हूं। मगर जैसे ही जाता है, वो नाम लेता है जयवीरा का, तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कांड हो चुका होता है, क्योंकि डॉक्टर मैडम पहले ही जयवीरा को जेल में बंद करा कर आती हैं। तो उनका दोस्त किसी भी तरीके से जाता है, डॉक्टर मैडम को मनाता है, फिर FIR वापस करा लेता है। फिर जयवीरा छूट जाता है। फिर जाता है कैंप में, तो वहाँ पे देखता है कि लोग जो गांव के परेशान कर रहे थे उनको भगा देता है। और वहाँ से भगाने के बाद अपने राइस मिल में ले जाकर कैंप लगवा देता है और वहाँ लोगों का, मरीजों के इलाज होता है। फिर क्या, जयवीरा को धीरे धीरे प्यार होने लगता है, मगर अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। मगर उससे फिर डॉक्टर मैडम अपने प्यार का इजहार कर देती हैं। फिर क्या, अपने हीरो से शादी कर लेती हैं जयवीरा से। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। फिर एक दिन जयवीरा से कहीं झगड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर मैडम बोलती हैं कि ऐसा सब सही नहीं है, हम लोगों के ऊपर खतरा हमेशा मंडराता रहता है, कृपया ये सब छोड़ दो। शादी होने के बाद उनको एक लड़की होती है, जो कि ऐसे ही मैटर में एक बार फंस गई होती है। तो क्या, डॉक्टर मैडम अपने लड़की को लेती हैं और मुंबई वापस चली जाती हैं। मुंबई जाने के बाद पूरे 10 साल हो जाते हैं। तब जयवीरा के गाँव वाले और उनके रिश्तेदार बोलते हैं कि जाओ अपने पत्नी को लेकर आओ मुंबई से। तब फिर क्या, जाता है जयवीरा अपने गांव से मुंबई। मुंबई जाने के बाद कहता है कि मैडम से मैं मिलने आया हूं। मगर मैडम के जो ऑफिस वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम अभी आउट ऑफ सिटी है। मगर वैसे ही मैडम निकल कर जाती हैं। तब हमारे जयवीरा को सारी बात समझ में आ जाती है। तब वहाँ पर होती है हमारे विलन की एंट्री, जगपति बाबू की। जैसे ही जयवीरा को पता चलता है कि कोई इनके फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है बार बार, तो जयवीरा वहाँ का पूरी सारा मैटर सुलझा कर और अपने पत्नी को वापस लेकर गांव चला आता है हंसी खुशी से। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है, ये मूवी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी, ये आपको मूवी ज़रूर देखना चाहिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है।